रविवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अध्यक्ष अखिल भारतीय ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन केपी त्रिपाठी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने पेंशन भोगियों की समस्याओं पर चर्चा किया और आने वाले दिनों में समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाली 28 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन फेडरेशन के माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महामंत्री राम यश ने कहा, भारत माता की जय। अभी आज जोर से बोलिए, ऑल इंडिया एजुकेशन एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद ऑल इंडिया। जो इतनी गर्मी में वातावरण और व्यास चुकी जैसे नाव पर आप चलते हैं तो एक भी व्यक्ति अगर घबरा जाता है तो सारे लोगों का जान जोखिम से पड़ जाता है। ऐसे आपके कटना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी ईपीएफओ या सरकार ऐसा सोई हुई है कि अभी अनेकानेक संस्थान है जहाँ हम जो जमे हुए हैं उसकी सफाई मोदी को करने में बड़ा टाइम लगेगा, उनका नहीं कर रहा है। चार तमाम ऐसे संस्थान है तो और वो कई वर्षों से हैं। आप सोचेंगे भारतीय पेंशन भोगी फेडरेशन देश के करीब 5 करोड़ लोगों के पेंशन की बढ़ोतरी की लड़ाई लड़ रही है आज लगभग 10 वर्षों से। इस दिशा में माननीय स्वर्गीय मोहन सिंह एक लोकसभा सांसद थे जिन्होंने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपया की लड़ाई लड़ी और देश के लाखों लोगों को जो 250-150 रुपया पेंशन पाते थे उनको 1000 रुपया पेंशन न्यूनतम पेंशन दिलाने का काम किया। हमारा संगठन तभी से आज तक इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि जो 16/11/1995 को ये कानून बना कि इसका वार्षिक मूल्यांकन होगा, लेकिन 4 साल तक मूल्यांकन करने के बाद 2000 के बाद आज तक उस मूल्यांकन का लाभ पेंशनरों को नहीं दिया गया, जिससे जो निर्धारित पेंशन उनको मिल रही है वो आज भी मिल रही है, उसमें एक पैसे का इजाफा नहीं होता। इस बात को लेकर के हमारे ईपीएफ पेंशन भोगियों में काफ़ी आक्रोश है और दुखी हैं कि आज इस महंगाई के दौर में हमें जीने लायक पेंशन नहीं मिली। आज मूल्यांकन अगर हुआ होता तो आज जो लोग उस समय 1000 रुपया पेंशन पा रहे थे आज वो कम से कम 5000 रुपया पेंशन पाते। इन्हीं बातों को लेकर के हमारा ईपीएफ पेंशन भोगी फेडरेशन संसद पर और श्रम मंत्री से मिलकर के न्यूनतम 5000 रुपया पेंशन मासिक पेंशन देने की बात किया है और सरकार पर बार बार हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि हमारा न्यूनतम पेंशन 5000 रुपया मासिक होना चाहिए।